हेलो व्हाट्सअप गाइस माने स्पिनोत्थ स्प्रेड ऑपरेटर इन रिएक्ट जेस जी हाँ गाइस आई नो आप में से बहुत तो कोई ये एक जो पर्टिकुलर लाइन है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे आप लोगों को शायद कल के दिन डाउट आया होगा एंड खासकर इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो पर्टिकुलर जगह कि यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स है ये क्या कर रहा है वॉट इज दिस थ्री डॉट एक्चुअली मीन्स तो मैं बताना चाहता होगा इस ये जो थ्री डॉट्स है ये आपका कहलाता है स्प्रेड ऑपरेटर एंड वैसे ही एक और थ्री डॉट्स होता है जो आपका रेस्ट ऑपरेटर भी कहलाता है बट इन आवर केस ये आपका है एक स्प्रेड ऑपरेटर एंड बताना चाहूँगा गाइस ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है रिएक्ट का कोई एक स्पेसिफिक नहीं है जावास्क्रिप्ट में जो इस आ, अपने को स्प्रेड ऑपरेटर मिलता है ये यहाँ पे भी वही है ठीक है बट स्टिल आई नो गाइस मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा ये वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट कोर्स होने वाला है सो डैट्स वाई मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूजन आपको रहे वी नो कि लाइक like, जारस्क्रिप्ट में तो हम कर सकते थे बट इन रिएक्ट वॉट डज इट एक्चुअली मीन्स राइट तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक स्प्रेड ऑपरेटर मैंने जारस्क्रिप्ट रखा है एंड रिएक्ट दोनों को रखा हुआ है विच अलाउस एंड इटरेबल ये ध्यान में रखना है कि ये इटरेबल वाली चीज़ें क्या होती है एंड बिल मिंग जो इटेरेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो वर्ल्ड वे जस्क्रिप्ट का कोर्स है मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है एंड बहुतों तो को ये डाउट होता है कि इटिरेबल हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट कॉम इटरेबल बोल सकते कौन से पार्ट या आई I मीन mean, कौन सा जो टॉपिक है उसको मिटेरेबल नहीं बोल सकते क्या एक एरे इटेरेबल है क्या एक स्ट्रिंग इटेरेबल है ये जो एरे डॉट फॉर्म था वो उसका क्या काम है क्या ऑब्जेक्ट कॉम इटेरेबल बोल सकते हैं इटरेबल कोई चीज़ है या नहीं उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं सिर्फ फॉर ऑफ लूप से अगर वो चलता हो तो क्या वो आपका एक इटरेबल है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है रिगार्डिंग इटेरेबल दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड प्लीज ये जो वीडियो है वर्ल्ड बेस्ट इसको जरूर चेकआउट कीजिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ आप सुन सुन के पक गए होंगे बट गाइस मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो अगर आप नहीं देखोगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मैं चाहता हूँ आप उसको जरूर देखिएगा ठीक है तो डोंट वरी मैं आज आपको बताने वाला पूरा एग्जाम्पल दूंगा वो भी चार चार एकदम ध्यान से देख लीजिए है ना टू बक्सपेंडेड इन टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इट प्रोवाइड्स अ कॉन्साइस वे टू स्प्रेड इतना समझ लो स्प्रेड करना जैसे आप ब्रेड में बटर को स्प्रेड करते हो ना चमची से तो आप निकालते हो एक ही स्कूप हो या जो भी है एक ही आप निकालते हो ना बट जब ब्रेड में करते हो तो हर जगह फैला देते हो उसको तो यहाँ पे भी स्प्रेड कर देना है उसको कैसे मैं आपको बताता हूं देखो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो होर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ये पर्टिकुलर एक एरे को आप कैसे स्प्रेड कर सकते हो एंड दूसरा आप ऑब्जेक्ट को कैसे स्प्रेड कर सकते हो अब ये एरे को स्प्रेड क्या करना होता है ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं so, सो इसके कुछ यूज केसेस है एंड इन चारों के चारों यूज केसेस पे मैंने आज एक एक एग्जाम्पल रखा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए एंड जो कल की वीडियो में हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था आ, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये भी मैं टैकल करूंगा एकदम प्योर एंड एकदम बेस लेवल पे जाके कि अच्छा इसका मतलब ये है तो आ, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला है इसका यूज केस एरे को कॉपी करने के लिए ठीक है सबसे पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हो टू कॉपी एन एरे देन सेकेंड इसका आप केस देख सकते हो कॉन्केटिनेट करना है एरे को कॉन्केटिनेट करने के लिए थर्ड यूज केस आप देख सकते हो टू एड एन एलिमेंट टू एन एग्जिस्टिंग एरे कोई भी एक एरे है उसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है तब हम वहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो माई गॉड एंड देन स्प्रेडिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को स्प्रेड करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो ये जो चारों के चारों जो चीज़ें हैं इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो अब ये कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है so सो डैट्स वाई मैंने कल आपको याद है कहा था लाइक इन आवर टू डू आई नो आपने सोर्स कोड तो ऑलरेडी गेट कर ही लिया होगा एंड आपको ये मिला होगा वहाँ पे तो ये जो आपका हेल्प डॉट जे सिक्स फाइल है यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प बोल के मैंने ये बनाया हुआ है एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मैं आपकी हेल्प करूंगा है ना तो कुछ इस तरीके से जिसमें से सबसे पहले हमें देखना है यूज केस नंबर वन दैट इज कॉपिंग एन एरे तो ये क्या होता है मतलब सिंपल एग्जाम्पल लाइक वी हैव वन कॉन्स्ट नंबो बेसिकली वी हैव वन एरे कॉल्ड नंबो ठीक है तो नाउ गाइस इस यहाँ पर जो ये कॉपीड नंबर हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली कॉन्स्टेंट वेरिएबल उसमें मुझे नंबर्स की ये जो एरे है ना वो मुझे यहाँ चाहिए तो अब आपके माइंड में तो आ रहा होगा कि मैं ये कर लेता हूँ नंबर्स राइट आपने ये सोचा होगा चलो मैं ये कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग कॉपीड नंबर एंड ये जो हेल्प है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ये मुझे ऐप पे दिखाना पड़ेगा राइट right? ऐप पे मुझे दिखाना पड़ेगा फिलहाल के लिए चलो इसको मैं हेल्प कर रहा हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ठीक है तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ये अपना है फिलहाल यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं बट वो आपको कंसोल में दिख जाएगा ये देखिए सो दिस इज़ आवर एरे देखो मुझे यहाँ पे डेटा आ गया मुझे कॉपीड नंबर पे मुझे जो एग्जैक्टली डेटा चाहिए था मुझे मिल गया बट एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ एंड डैट प्रॉब्लम इज कल के दिन ध्यान uh, से देखना ठीक है ये जो मेरा कॉपीड नंबर है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्वियस uh, है राइट right? कि हम एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं लाइक यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन तो uh, जो मेरे फर्स्ट uh, एलिमेंट है फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर एंड वो भी याद रखना फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट नहीं है जीरो है देन ये वन है तो अब सॉरी मैं वन बोलूँ तो वो बेटर रहेगा मैंने कर दी फाइव मैंने क्या कर दी फाइव अब मैं एक तो ये कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैं ये जो नंबर है उसको भी कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है एंड लेट्स डू वन थिंग आ, इसको मैं कॉमा दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो नंबर से वापस लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली वॉट इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर राइट सो देखो मैंने ये जो एरे है सिंपल मैंने इसको कॉपी कर ली राइट right? अब ये एंड मैंने दिखा है कि मुझे बराबर ये मिल गया बट मैंने क्या चाहा यार मुझे सेकंड पसंद नहीं आ रहा है टू पसंद नहीं आ रहा मुझे फाइव था इस जगह पे मैंने अपडेट कर दी इस वाले को ठीक है तो अब मैं ये वाला जो नंबर्स है उसको प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल एंड देन इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ ध्यान से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मैं इसको बस एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड बात ही खत्म एंड रीज़न आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि नंबर्स में जो सेकेंड पोजिशन पर जो टू था वो फाइव हो गया है कॉपीड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कॉपीड पे तो मैंने जानबूझ के बोला था कि मुझे कॉपीड नंबर वाले एरे पे फाइव चाहिए था बट हमारा जो ओरिजिनल एरे है ना वो म्यूटेट हो गया उसका जो ओरिजिनल डेटा था वो भी चेंज हो गया ये तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं ना सो दिस इज द रीज़न वाई दिस इज द रीजन वाई क्यों हम यहाँ पे इंस्टीट ऑफ डायरेक्टली कॉपिंग दैट ओरिजिनल एरे क्यों हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं राइट सो वी हैव दिस कॉपिड नंबर एंड हम क्या करेंगे एरे बनाएंगे डॉट 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 एंड देन नंबर्स खत्म इसको मैं हटा रहा हूँ सेम चीज़ है सेम चीज़ है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है uh, मैं ए, एक काम करते हैं ना चलो पहले इसको मैं एक बार हटा हटा के देखता हूँ कुछ होता क्या नहीं ये हो ये हो ही नहीं सकता ऐसे ठीक है क्योंकि मुझे तो जैसे भी एक एरे ही चाहिए था ना तो आपको एक एरे बनाना ही है उस एरे में आपने क्या कर दी ये नंबर्स के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको अब आप स्प्रेड कर दीजिए फैला दीजिए सिंपल राइट अब ध्यान से देखना मैंने कॉपी की अब ये जो पार्ट है इस वाले को मैंने चेंज सब कुछ वही है हाँ जस्ट मैंने कॉपी करने का तरीका बदल दिया एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता तो हूँ बूमगा इसी दिस इज़ दी ब्यूटी एंड नाव अब आपका पूरा क्लियर हो गया दूध का दूध पानी का पानी एंड डैट इज माई औरिजिनल एरे स्टिल वन टू थ्री एंड देन जो मेरा कॉपीड नंबर uh, था यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो उसमें जो सेकेंड पोजिशन है वो फाइव है एंड हेयर वी हैव अ टू क्लियर विनर कौन है आपका स्प्रेड ऑपरेटर है या नहीं उसने स्प्रेड कर दिया हमारा ये जो नंबर्स एरे था उसको उसने स्प्रेड करके जो है यहाँ पर रख दिया बस उसका काम इतना ही था इसका कोई रेफरेंस वेफरेंस पास नहीं किया जस्ट इसकी जो वैल्यू थी उसको स्प्रेड करके यहाँ पे रख दिया और बोला कॉपिड नंबर ये आपको हवाले में कर रहा हूँ अब आपकी मर्जी आपको जो करना है करिए खत्म ये है आपका पावर ऑफ योर स्प्रेड ऑपरेटर एंड मैंने जानबूझ के एक अलग वीडियो बनाया अब आप में से बहुतों को लगा एक स्प्रेड ऑपरेटर की अलग वीडियो बना दे अरे भाई अगर इतना ईजी होता है ना स्प्रेड ऑपरेटर आपको लगता है कि ये तो बच्चों वाला ही है तो ये वाला जो पार्ट था ये वाला ये तो आप मतलब आँख बंद करके आ रहे ये तो स्प्रेड ऑपरेटर है मतलब स्प्रेड ऑपरेटर के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है समझ लो आपको इसमें कभी डाउट आना ही नहीं चाहिए था बट मुझे मालूम है बहुतों को डाउट आया मतलब नहीं आता आपको सिंपल है ना एंड एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए हमें हाँ ठीक है हमें समझ में नहीं आ रहा था मैं हूँ ना अब तो आपको पता चल गया कि हम कॉपी कर सकते हैं जी तो इससे पहला यूज़ केस है ठीक है दिस इज योर फर्स्ट यूज़ केस परफेक्ट नाउ सेकेंड यूज केस देख लीजिए अब आपने क्या बोला कि हम कॉपी कर सकते हैं सेकेंड हम उसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं एंड कॉन्केटिनेट का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दो इट मीन्स दिस इज आवर एरे वन दिस इज आवर एरे टू राइट अब मुझे ये इसकी वैल्यू भी चाहिए इस एरे की भी वैल्यू चाहिए यहाँ पे अब आप अगेन फिर से वही सोच रहे हो एरे वन प्लस ए आर आर टू है ना लेट्स लेट्स चेक इट आउट एंड कंबाइंड ऑलरेडी है यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ये देखो मुझे बराबर डेटा आ भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं वन टू एक सेकेंड ही क्या हो रहा है यहाँ पे थर्टी फोर है क्या वहां पे नहीं है बट सी देर इज वन प्रॉब्लम एंड डैट इज कि कुछ तो भी ये कॉमा नहीं मुझे मिल, मिला यहाँ पे ये थ्री एंड देन फोर ये एक साथ क्यों चिपके हुए वाई थ्री एंड फोर आर लाइक टुगेदर वो समझ रहे हो हो गया वो थर्टी फोर बन गया वो तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वापस आ, एक सेकेंड मुझे वैसे तो एरे चाहिए था इस तरीके से इसको आपको ये लगाना है एंड देन डॉट 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 ऑल्सो वी हैव टू राइट डॉट 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 पाती खत्म है ना ये डॉट 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 एंड यहां पर प्लस की नीड भी नहीं जस्ट कॉम अब आपको चाहिए ठीक है सो इंस्ट्यूट ऑफ प्लस बिकॉज प्लस इज द एक्चुअल कॉन्केटिनेशन का सिंबल बट यहां पर अब हमें प्लस की नीड नहीं है जब आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करती हो जस्ट आपको थ्री डॉट्स ये तो आपको मालूम है आप, ना अब यहां पर अब आप, आप ये नहीं पूछ सकते मुझसे कि ये हमने क्यों किया मैंने यहां पर दिखा दिया मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ अगर सिर्फ मैं एक एरे को कॉपी करता हूँ तो मैंने उसके पीछे का क्या रीजन था एंड मैंने क्यों ये वाला तरीका अपनाया क्योंकि वो ओरिजिनल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा था ओरिजिनल का और डेटा ऑलवेज ओरिजिनली था उसको कुछ चेंज नहीं कर रहा था डैट्स वाई अब मुझे दो दो एरे चाहिए तो मैं दूसरे को भी तो सेम वैसे ही लिखूंगा ना है ना और एरे के अंदर ये जस्ट एक कॉमा मैंने ऐड कर दी खत्म अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस सी देख लीजिए आप खुद ही यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री कॉमा फोर बात ही खत्म ना अब यहाँ पे आपको जो चेंज करने कर लो ओरिजिनल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आप समझे कहीं ना कहीं अब आप आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने ये जो प्रीवियस लिखा था कुछ वैसे ही आपको लग रहा है ये है ना यहाँ पे तो दोनों स्प्रेड ऑपरेटर है एक स्प्रेड ऑपरेटर इसका एंड बाकी यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे राइट right? तो ये आपको आइडिया गया अब वापस नाउ लेट्स चेक इट आउट दिस वन एडिंग एलिमेंट्स टू एन एरे ठीक है आपको पता चल गया ये है ना कि कॉन्डिनेट भी कैसे कर सकते थे देन अब इस वाले पे चलते हैं मैंने कहा ना अभी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा आपको लगे तो आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग भी कर सकते हो आपको ये कैसा लग रहा है एंड फाइनली जो आपके डाउट्स थे रिगार्डिंग स्प्रेड ऑपरेटर मैं आशा करता हूँ वो भी आपका क्लियर हो रहा होगा है ना एंड बाय द वे गाइस अभी वॉइस कैसे आ रहा है मेरा यू you ना know, क्योंकि पहले आप लोग बोल रहे थे वॉइस क्लियर नहीं तो बट दो तीन वीडियो से आप आई होप आपको वॉइस बहुत अच्छे से आ रही होगी है ना क्योंकि माइक एकदम क्लोज है मेरे अभी फिलहाल परफेक्ट देन सी सो यहाँ पे मैं चलता हूँ ध्यान से देखिएगा मुझे अब एक uh, एलिमेंट्स ऐड करना है राइट right? ये सेम यही है सेम यहाँ पे वही था जो है सो है बट अब एलिमेंट आपको ऐड करना था तो वही है सेम फंडा यहाँ पे देखो डॉट 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 ए आर आर अब ये समझ लीजिए डॉट 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 प्रीवियस मैंने लिखा है क्योंकि प्रीवियस मेरा जो डेटा था सो था अब मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो मैं वही किया यहाँ पे भी यहाँ पे भी कॉमा दूंगा मैं ऐड कर दूँगा वन टू थ्री है फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स इस तरीके से मैंने फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कर दी बात ही खत्म यहाँ तो फिर भी मैंने सिर्फ एक ही डेटा ऐड की थी यहाँ तो मैंने तीन तीन डेटा ऐड कर दी कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ एंड बूम गाइस सी ये देखिए है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि वन टू थ्री तो ये तो मेरा पुराना डेटा है राइट right, प्रीवियस डेटा आप कह लो इसको काइंड kind ऑफ of, एंड देन फोर फाइव एंड देन सिक्स तो मैंने खुद से ऐड किए लगे तो चलो सात भी ऐड कर दूँ मैं ये देखो मुझे सेवन भी आ गया तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने ये क्यों यूज़ की ताकि जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहे उसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा वो उसके पीछे वो ऐड हो रहा है आई होप अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन को लेकर लाइफ में नहीं होनी चाहिए गाइस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिएक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आगे जब हम फॉर्म के साथ खेलेंगे यू नो फॉर्म वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉग इन फॉर्म एंड ऑल वो सब कुछ जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म ये चीज आएगा ही आएगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट तो इसको अब आपको भूलना नहीं है यहाँ पे हम सिंपल एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ये वाला हमारा थर्ड यूज के साथ आ गया एडिंग एलिमेंट्स टू एन एरे डेट इट परफेक्ट चलो एरे के साथ तो इतना खेल ली लेकिन याद है मैंने एक वीडियो बनाया था एंड मैंने उसको भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था आप में से बहुतों तो को लगा होगा अरे तो बहुत ईजी है बट आज मैं बताता हूँ क्यों मैंने सेपरेट बनाया था वो वीडियो भी ड्राइव लिफ्टिंग द स्टेट ऑफ ए ड्राइवट या आई थिंक दिस वन रिएक्ट जिस स्टेट चैलेंज यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था देखो ना लिखा भी है टेस्ट योर स्किल्स ये वीडियो में मैंने जानबूझ के आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेला था जानबूझ के मैंने ऑब्जेक्ट रखा था यूज स्टेटमेंट मैंने ये कहा था कि अब आप उसको लूप चला के दिखाओ ठीक है तो अब वही है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाउ ये अब आपको खुद से करना है मुझे आप सोचो बताओ लाइक वी हैव दिस पर्सन एरे सॉरी इट्स नॉट एन एरे इट्स ऑब्जेक्ट है ना तो एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टी है दैट इज योर नेम जॉन एंड देन एज इज थर्टी अब क्या बोला देखो राइट अ एज फंक्शन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन विद द नेम एंड एज प्रॉपर्टीज मतलब यही सेम चीज अब एक और नए ऑब्जेक्ट में आपको चाहिए या तो आप खुद से एक नया बना लो या तो स्प्रेड ऑपरेटर है ना राइट कहा गया यहां पे द फंक्शन शुड यूज ओके बोल भी रही है द फंक्शन शुड यूज द स्प्रेड ऑपरेटर टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट वेयर द एज प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज इंक्रीमेंटेड बाय वन सो गाइस अब इतना सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में ये जो मेरा वीडियो था ये ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन रिएक्ट स्टेट चैलेंज यहां पे भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेल के बताया था सो नाउ इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस की वीडियो को अभी के अभी करो पॉज एंड ये जो मैंने क्वेश्चन रखा मैं है मैं बताऊँ बहुत बेसिक है यहाँ ये? ये इसको आपने कर लिया तो आप एक्साइटेड हो सकते हो बट यस मैंने कुछ कर लिया इतना एक्साइटेड भी नहीं होना अपने को बट हाँ ये बेसिक है तो आप वीडियो को करो पॉज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने इसको कैसे किया चाहे यूजर जो भी एज डाले वो ऑलवेज एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए एंड आपको ये आपका नाम तो कभी आपको यहाँ पे बनाना भी नहीं है आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके किसी तरीके से पर्सन को ही यूज़ करना है यहाँ पे भी कैसे करोगे आप आई होप गाइस आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा अगर अभी भी नहीं किया है पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ देखिए ऑब्जेक्ट है तो ये तो मुझे लगेगा आप मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की बिल्कुल भी नीट नहीं है यहाँ पे राइट मुझे उसकी बिल्कुल भी नीट नहीं है वॉट आई विल डू इज डॉट 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 एंड सेम पर्सन यहाँ पे भी सेम वही फंड है ऑब्जेक्ट के अंदर ये जितने भी की एंड देन वैल्यूज थे ना या प्रॉपर्टीज थे मैंने यहां पे स्प्रेड कर दिया एंड मैंने यहां पे अब अपडेटेड पर्सन को उसकी वैल्यू यहां पे दे दी अब मैं कॉमा कर रहा हूं एंड ये जो एज है विल बी इक्वल टू जो भी एज होगा प्लस वन इंक्रीमेंट खत्म और सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकता ये की एंड देन वैल्यू है एंड ऑब्जेक्ट में आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है एंड एक और चीज़ अब आप में से बहुतों तो को ये एरर आया होगा जहाँ पे आप देखो एक तरफ तो आप एज लिख पा रहे हो एंड द रीजन इज ये आपका एक की है जो आप यहां पे कुछ भी लिख सकते थे बाय द वे ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं था यहां पे बट हम एज लिख रहे क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमें एक एज चाहिए था जो कि जो भी ये पर्सन का एज होगा उससे ऑलवेज एक ग्रेटर होना चाहिए तो मैं ना अब यहां पे डायरेक्टली पर्सन को तो गेट नहीं कर सकता सो so मैं क्या करूँगा पर्सन डॉट एंड देन एज प्लस वन एंड ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे मैंने एज को छोड़ के बाकी जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगे वो ये एक्वायर कर लेगा वो यहाँ पे आ जाएगा मतलब नेम जॉन आई मीन जॉन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो क्या मुझे मिल रहा है नेम इज जॉन एंड एज थर्टी जबकि यहाँ पे कितना एज है यहाँ पे उसका एज था थर्टी बट मैंने एक से कर दी इंक्रीमेंट नाउ इट्स थर्टी सो या इस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा अब ये आपके लिए चैलेंज है एंड दैट इज चलो ये तो मैंने आपको कंसोल में दिखा दिया मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को आप हमारे यू पे यहाँ पर रेंडर करके दिखाओ ये आपका चैलेंज है ठीक है ऑल आइट right, ये आपका चैलेंज है आपको खुद से करना है मैं जस्ट चेक करूंगा एंड बता दूंगा कमेंट में किसका गलत है किसका सही है बोल के ठीक है सो आई होप गाइस अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिलीव मी एंड आई थिंक अब ये अब किसी का भी आई I मीन mean, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा अभी यहां पे राइट तो इसको टिक गाइस right तो कल का वीडियो अब बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि कल हम फाइनली ये जो डेट दिख रहा है आपको डेट एंड देन ये जो टाइमिंग है रियल टाइम वो कैसे हमें मिल रहा है इन रिएक्ट राइट तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बताना सो गैस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा बहुत मेहनत लगती है इस ऐसे वीडियोज को बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करके कमेंट करके एटलीस्ट इतना तो आप कर दीजिए कि मुझे मोटिवेट मिल जाए है ना एंड uh, बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर्स सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर